नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कटहल की सब्जी खाने के फायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कटहल की मसालेदार सब्जी किसी के भी मुंह में पानी ला सकती है। ये दुनिया के सबसे बड़े फलों में से एक भी माना जाता है। दोस्तों, कटहल का इस्तेमाल न केवल सब्जी बनाने में बल्कि इसका अचार, पकौड़े और कोफ्ता बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पका कटहल भी काफ़ी पसंद किया जाता है। कटहल में ढेरों ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की कई आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, थायमिन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन सब के अलावा इसमें फाइबर भी होता है। अच्छी बात यह है कि इसमें कैलोरी नहीं होती है। ऐसे में हार्ट से जुड़ी कई सारी बीमारियों में ये फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, कटहल को एक रहस्यमय सब्जी भी माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डर होता है कि क्या इसे खाने से हमें किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, या फिर बहुत ही कम लोग इसके फायदों को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इसके कुछ मेन फायदों के बारे में। दोस्तों, कटहल में पाए जाने वाला पोटेशियम हार्ट से जुड़ी कई सारी बीमारियों से आपको सुरक्षित रखता है। जी हाँ, उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए हाई बीपी वाले मरीजों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये आयरन का भी एक अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से एनीमिया यानी कि खून की कमी से बचाव हो जाता है। साथ ही इसके प्रयोग से ब्लड सर्कुलेशन भी कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, अस्थमा के इलाज में भी ये एक कारगर औषधि की तरह वर्क करता है। कच्चे कटहल को पानी में उबालकर छान लें। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इसे पी लें। नियमित रूप से ऐसा करेंगे तो अस्थमा की समस्या में काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें पाए जाने वाला खनिज हार्मोन्स को भी नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कटहल में मैग्नीशियम भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ भी स्वस्थ और मजबूत बनती हैं। और अगर आपकी हड्डियाँ कमजोर हो चुकी है तो उनको मजबूत बनाने के लिए भी आप कटहल का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, कटहल में पाए जाने वाला विटामिन सी उसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी मानी जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से शरीर बीमारियों से लड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाता है। वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो तो कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी आपको आसानी से घेर लेती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कटहल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कटहल का सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कटहल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें भरपूर रेशे होते हैं। जी हाँ, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखते हैं। दोस्तों, पाचन क्रिया कमजोर होने से कई प्रकार की पेट से संबंधित समस्याएं हमें झेलने को मिल सकती है, जैसे कब्ज वगैरह वगैरह। लेकिन कटहल की सब्जी पाचन क्रिया को बूस्ट करती है, वो भी इसमें मौजूद रेशे की बदौलत। तो इस लिहाज से भी कटहल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे कटहल खाने के लाजवाब फायदे। तो दोस्तों, यही थी हमारी जानकारी, जो होती है यहीं समाप्त। आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।